नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन हायोसाइमस नाइगर के बारे में। यह दवा किन बीमारियों में अच्छा काम करती है और इसके क्या क्या रेडलाइन, क्या क्या पिक्यूलियर सिम्टम्स है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे मेरे लेटेस्ट वीडियोज के साथ में। बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, हायोसाइमस नाइगर एक ऐसी दवा है जो कि दिमागी कंडीशंस के लिए उपयोग में लाई जाती है, या यूं कहें कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इसका उपयोग किया जाता है। विशेषकर सीधे शब्दों में कहा जाए तो मेनिया के केस में इस दवा का उपयोग होता है। मेनिया के केस में होम्योपैथी में तीन मेडिसिंस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे पहली दवा है बेलाडोना, जो कि वायलेंट मेनिया, यानी कि अगर मरीज मारपीट करता है, वायलेंस करता है, तो ऐसी कंडीशन में बेलाडोना का उपयोग किया जाता है। दूसरी जो दवा है वो है हायोसाइमस, जिसका उपयोग एक प्रकार के लेसिवियस मेनिया में किया जाता है, यानी कि जहां पर पेशेंट जो है अपने बॉडी पार्ट्स, अपने जेनिटल्स को एक्सपोज करने की एक प्रवृत्ति रखता है और बार बार स्ट्रिपिंग करता है, कपड़े निकालने की कोशिश करता है, इस प्रकार के मेनिया में हायोसाइमस का उपयोग होता है। तीसरी दवा जो है वो है स्ट्रमोनियम, जो कि एक विशेष प्रकार के रिलीजियस मेनिया में काम करती है, यानी कि पेशेंट की प्रवृत्ति धार्मिक बहुत ज़्यादा हो जाती है मेनिया के केस में, तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रमोनियम का उपयोग किया जाता है। इन दोनों दवाओं, बेलाडोना और स्ट्रमोनियम के मिड में एक अगर मेनियक मेडिसिन के बारे में बात किया जाए तो वो है हायोसाइमस। यह बहुत ही पॉपुलर रेमेडी है। इसके सिम्टम्स जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही लेस सिम्टम्स के साथ ये रेमेडी है। पेशेंट जो है वो लेसिवियस मेनिया से ग्रसित रहता है, यानी कि अपने आप को स्ट्रिप करना, अपने आप को एक्सपोज करना, अपने जेनिटल्स को प्रदर्शित करना जगह जगह पर या बाहर में कहीं पर भी, वह जो है अपने कपड़े निकाल लेता है, एक प्रकार से उसको एक्सपोज करना अच्छा लगता है। इस प्रकार का अगर मेनिया है, इस प्रकार का अगर दिमागी, इस प्रकार की दिमागी स्थिति है, तो हायोसाइमस का प्रयोग किया जा सकता है। मेनिया के अलावा डिलीरियम के केस में, जहां पर मस्तिष्क विभ्रम की स्थिति यानी भ्रम की स्थिति पैदा होती हो, तो डिलीरियम के केस में भी हायोसाइमस नाइगर का रोल बहुत ही अच्छा है। हायोसाइमस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो भी बीमारियां या जो भी ये कंप्लेंट्स होती है वो मस्तिष्क की वजह से, यानी ब्रेन की डिसफंक्शनिंग की वजह से ऐसा होता है, लेकिन ये जो डिसफंक्शन होता है यह इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से नहीं है, यानी किसी प्रकार के इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस की वजह से ऐसा नहीं है। अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस की वजह से इस प्रकार का मेनिया, इस प्रकार की दिमागी स्थिति देखने को मिले तो हायोसाइमस मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी महिलाएं जिनको कि लेबर के बाद में, यानी बच्चा डिलीवर करने के बाद में उनके यूरिनरी ब्लेडर यानी पेशाब की थैली में पैरालिसिस हो गया हो, पैरालिसिस की वजह से उनको या तो रिटेंशन हो गया हो यानी यूरिन रुक गया हो, या फिर जो यूरिन है वो इनकॉन्टिनेंस हो यानी होल्ड करने में प्रॉब्लम होती हो, पेशेंट का यूरिन इनवॉलेंटरीली डिस्चार्ज हो जाता हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपको हायोसाइमस नाइगर मेडिसिन मदद कर सकती है। एक और मेडिकल कंडीशन या एक मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है कि पेशेंट जो है कार्फोलोजिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, यानी कि पेशेंट जो है अननोइंगली कपड़े या बेडशीट को पिक करने लगता है, उठाने लगता है या खींचने लगता है, इस प्रकार की कंडीशन में भी हायोसाइमस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। ऐसे बच्चे जिनको कि एपिलेप्टिक फिट्स आते हो, यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ते हो, और उन मिर्गी के दौरे के बाद में, इमीडिएट बाद में बच्चा डीप स्लीप में चला जाता हो, गहरी नींद में चला जाता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको हायोसाइमस मेडिसिन मदद कर सकती है। ऐसे पेशेंट्स या ऐसे बच्चे जो कि नींद में रोते हो, नींद में सिसकते हो, तो और नींद से जागते भी नहीं है, अगर बच्चे जो है वो रोते हैं, सिसकते हैं नींद में लेकिन वो जाग नहीं रहे, इस प्रकार की अगर पिक्यूलियर कंडीशन बने तो हायोसाइमस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, मस्क्यूलर ट्विचिंग के जो केस होते हैं जिनमें मांसपेशियां
फड़कती है या ट्विचिंग होती है, उनमें खिंचाव होता है, इस प्रकार की ट्विचिंग के कंडीशन में भी हायोसाइमस मेडिसिन मदद कर सकती है। मांसपेशियों से रिलेटेड एक और समस्या जिसमें पैरालिसिस एजिटेंस बोला जाता है या कोरिया की कंडीशन है या पार्किंसन की कंडीशन है जिसमें होल बॉडी ट्विचिंग रहती है, पूरे शरीर की मांसपेशियों में ट्विचिंग होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप हायोसाइमस का प्रयोग कर सकते हैं। शर्त यही है कि बाकी के सिम्टम्स भी मैच होने चाहिए। ओवरऑल मोडेलिटीज की बात करें तो हायोसाइमस के जो पेशेंट होते हैं उनको रात को समस्याएं बढ़ जाती है, मेंसेस के दौरान महिलाएं जो है उनको पीरियड के दौरान में समस्याएं बढ़ जाती है, खाना खाने के बाद में समस्या बढ़ जाती है, सोने के बाद समस्या बढ़ जाती है, लाइंग डाउन से यानी रेस्ट करने से भी उसको दिक्कत बढ़ती है। अमेलियोरेशन यानी कि आराम की अगर बात करें तो हायोसाइमस के पेशेंट को स्टूप करने से आराम मिलता है, यानी कि झुक कर बैठने से या स्टूपिंग शोल्डर वाली कंडीशन में बैठने से उसको रिलीफ मिलता है, लक्षणों में थोड़ा बहुत आराम लगता है। डोजेस की अगर बात करें यानी कि डोज जो है वो 30 CH से लेके 200 CH के अराउंड पेशेंट में फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है या इस प्रकार की मेडिकल कंडीशंस में इस दवा का उपयोग 30 या 200 पावर में ज्यादातर देखने को मिलता है। मेरे द्वारा दी गई यह हायोसाइमस मेडिसिन के बारे में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।